आज की जो क्लास है वो बोर्ड मास की रहेगी। आज हम काफी क्वेश्चंस करेंगे और आपको जो है यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछली बार भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आया था, आई थिंक मैंने पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है जो कि यूट्यूब पे थी। तो बोर्ड मास देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा शुरू करते हैं। अपना माइक ऑफ कर लें। कई बुक में आपको इस तरह से देखने को मिलता है और कई बुक्स में आपको यहाँ पे बी भी देखने को मिलता है इस तरीके से। तो हम इसको जो है बोर्ड मास बोलते हैं। इस बी का क्या मतलब होता है? ये जो बी है इसका मतलब होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में बार बोलते हैं। बार तो इस तरीके से लिखते हैं, बट इसे जो जो एग्जैक्ट वर्ड है वो विनिकुलम बोलते हैं। विनिकुलम इसका मतलब होता है कि जैसे जो नंबर्स आपको दिए हैं उनके ऊपर बार लगा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5-2 और उनके ऊपर बार। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस आते हैं। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, चाहे वो बड़ी ब्रैकेट हो छोटी ब्रैकेट्स हो। जैसे जैसे ब्रैकेट्स होती हैं वैसे वैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाली को सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाली को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आता है ऑफ, जिसे हम हिंदी में जो है का बोलते हैं। का इसका जो मतलब है वो मल्टीप्लाई ही होता है, बट आपको जो है जैसे ही सीरियल वाइज दिए हैं वैसे ही सॉल्व करने पड़ते हैं। कैसे? जिसे हम आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। आगे है डिवीजन, सभी को पता है। आगे एम से मल्टीप्लाई वो भी पता है, और ए से एडिशन वो भी पता है, और एस से सब्ट्रैक्शन। ये आपका बोर्ड मास जो नाम है। जैसे ये दिए हैं इस तरीके से जो हम इनको सॉल्व करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका जो जेबीटी कमीशन में आया था 2019 में, उसको देख लेते हैं। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पहले भी आया है। 171 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 9, ये क्वेश्चन आया था आपको। इसमें आपको ऑप्शन दिए थे, काफी ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है फर्स्ट 1, ऑप्शन बी था 18, ऑप्शन सी था 81, और ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस। ये आपका क्वेश्चन था। तो किस तरीके से करेंगे? तो फर्स्ट यहाँ पे जो साइन सबसे बड़ा है वो कौन सा है? डिवाइड का है, और उसके बाद मल्टीप्लाई का। तो दो ही साइन आपको दिए हैं, तो 91 से 19 जो सबसे बड़ा है, जैसे नाम से ऊपर दिया है, जैसे सील वाइज दिए हैं वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे। डिवाइड जो है मल्टीप्लाई से पहले आता है, तो हम जो डिवाइड है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जो है 19 को 9 से जो है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और पहले जो आप डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो 91 से 19 और 99 से 171, तो कितना आंसर बना आपका? 81। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 112 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है 16 प्लस 14 माइनस 10, ये क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से करेंगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, बार वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप अंदर वाले को सॉल्व करो, कल मैंने प्लस माइनस बताया था। तो अंदर को सॉल्व किया तो क्या बना? 16 प्लस के हैं, जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता है वो प्लस का होता है, और आगे क्या है 14, ये भी प्लस के हैं। तो कितना बन गया? 30। 30 में से 10 चले गए तो कितना बचा? 20। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर ऑप्शन है 8 × 2/5, ऑप्शन बी है 5 × 3/5, ऑप्शन सी है 2 × 1/5, और ऑप्शन डी है
थ्री इंटू टू बाई फाइव, ये ऑप्शन है। आप खुद भी करें और आंसर बताएं किस तरीके से करेंगे। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज किए तो किस तरीके से लिखेंगे, 112 बटे 20 करो डिवाइड इसको, दो से किया, दो से किया तो कितना बना, यहां पे बन गया 10, नीचे 10 और ऊपर 2, पंजे 10, 12 बन गए, 66 बन गया। फिर आप इसको दो से कर पाएंगे, 2 पंजे 10 और कितना बना 28, 28 अपॉन 5 बना। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करते हैं, आप डिवाइड करके भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आप आपको ऑप्शन से भी मिल जाएगा पता, लग जाएगा पता कि 28.5 कैसे बनता है। ऑप्शन नंबर बी देखो आप, ये वाला देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 5 से 25 और 3 ऊपर के ऐड होते हैं तो क्या बना 28.5, इस तरीके से 5 × 3/5। आप जो है इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको ना निकालने आए तो किस तरीके से 28 को अंदर लिखेंगे और 5 को बाहर लिखेंगे, तो 5 आंसर 5 और 5 5 5 5 5 25, कितने शेष फल बचा आपको, रिमाइंडर बचा 3। जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं, जो भागफल होता है उसको साइड में लिखते हैं, ठीक है, जिससे भाग कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें, एक बार का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड 25, खुद भी करें आप, आंसर बताएं। 20 ब्रैकेट में 20 माइनस करली ब्रैकेट 10 माइनस 7 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 3 ऊपर 12 करली ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करें। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आपको दिए हैं 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 7। तो क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बैकर सॉल्व, बैकर से पहले क्या आता है, बार आता है ये वाला, तो इसको सॉल्व करेंगे। बार का क्या मतलब होता है, जैसे यहां पे लिखा है 5 माइनस 3 का बार ब्रैकेट में, जो बार है इसका मतलब है कि जो इसके बाहर जो भी साइन लगा है वो इंटरलिंक नहीं होते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से अंदर वाला सॉल्व किए तो मिला हमें 5 माइनस 3 चले गए तो कितना बचा 2, इस तरीके से। अब ये वाला साइन जो है वो यूज होगा, ये वाला साइड वाला, तो किस तरीके से कैसे करेंगे, 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 7, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 2, ब्रैकेट क्लोज। अब करो इसको, क्या बना, ये कितने बन गया 5 7 में से 2 चले गए, 5 और 10 में से 5 चले गए तो कितना बचा, 10 में से 5 चले गए तो कितना बचा 5, 5 और यहाँ पे 20 माइनस 5, 15 सर, 15 आएगा। चेक कर लो कितना आंसर आएगा इसका, मेरे पास तो ये है 15 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, 25 में से 15 चले गए तो 10 बचा, गलत किया कहीं पे, आंसर तो इसका 10 है, एल ठीक है। बार का मतलब है कि पहले हम अंदर का सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे मान लो ऐसे लिखा होता 3 और माइनस के 5 और ऊपर बार दिया है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा है, तो इसका मतलब क्या होना था, इसका मतलब होना था कि ये माइनस का माइनस वैसे रहना था, इसको अंदर का सॉल्व करके कितना आना था हमारे पास माइनस के 2,
उसके बाद ये वाला जो साइन है ये आपस में जो है जैसे यूज करते हैं वो यूज होने थे, ये जो बार है पहले ये बार यूज होता है। समझ आया ये बात, समझ आया बार का कंसेप्ट ये वाला। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 4। 18 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, 14। ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है आपके पास 204, ऑप्शन बी है 215, ऑप्शन सी है 216, ऑप्शन डी है 250। करें जरा। जिसको समझ आ रहा है वो बता सकता है। रिंकी जी समझ आ रहा है आपको? यस सरिता जी? सर। ओके। सर ऑप्शन ए 204। 204, ठीक है 204। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चंस को। कैसे, यहां से ये वाला हम सॉल्व करेंगे साथ में। देखो यहां पर प्लस का साइन है और यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, मींस इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, तो आप इसको भी एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे, 8 1 8, 8 2 16, और 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया। मैं किस तरीके से करता हूँ मल्टीप्लाई, जैसे मैंने बताया था इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 18 10 प्लस 2 तो कितना बना 180 प्लस 36, जब इनको ऐड किया तो कितना निकला 216। ठीक है, तो क्या बना 216। दो सौ सोलह और प्लस के 2 माइनस के 14 तो कितना बनेगा, 218 में से 14 चलेंगे तो कितने बचते हैं 204, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फोर्टी एट डिवाइडेड बाई सिक्स का, ओ भी बोल सकते हैं जो इंग्लिश वाले हैं, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/2 प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। करें सॉल्व करें। आप इसको मल्टी, इसको डिवाइड नहीं करेंगे आप 48 डिवाइड बाय 6, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास्टर जो ऑफ है वो डिवाइड से पहले आता है, ये वाला पहले आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे 48 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप ब्रेक कर लो, इसको फ्रैक्शन में दिया है, इसको लिख लो ढंग से, थ्री 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 वन से थ्री थ्री और ऊपर टू प्लस कितना बना, कितना आंसर है इसका, 5/3।
आंसर है 40/3 545। ऑप्शन मेरे पास नहीं है इस क्वेश्चन के। इसको डिवाइड कर लिए तो कितना है 2 1 2 और 24 2 48। तो क्या मिला आपके आपको 24 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई का ये तो खत्म हो गया सारा ही, तो क्या बचा के इसको भी सॉल्व कर लो ऊपर वाले को। करता है कोई कुछ करता है तो कर काट लो। कुछ नहीं करता है तो क्या बन गया प्लस का साइन और 10/9 यही बना, यही बना ना इस क्वेश्चन में। आगे करेंगे 20 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा इसको आप सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया ये वाला? किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन? आगे कर लो 24 को 9 के साथ मल्टीप्लाई, 9 4 36 तीन आगे, 9 2 18 18 और 3 21 216 प्लस 10 226/9। तो इस तरीके का आप आंसर रहेगा। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कैसे भी कन्वर्ट कर लो इस तरीके का। ठीक है, ये एक्सप्लेन करिए दोबारा, ये कुछ गलत सा लग रहा है। सुनिए कौन सा ये क्वेश्चन नहीं लगा बता समझ आया? हाँ ये 226/9 इसको आप इसको जैसे 24 को 9 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना निकला 216 प्लस क्या थे 10 से ऑफ का 10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ ना। हाँ क्रॉस का मतलब तो मल्टीप्लाई, जैसे ये एलसीएम बना ना, एलसीएम का मतलब होता है कि जैसे नीचे 9 है तो हम इसको उसके साथ डिवाइड करते हैं, जहां पे कुछ नहीं उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस तरीके से जो है हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहां पे 9 बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि हां जी ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, शुरू से करवाएं आप थोड़ा ये वाला मल्टीप्लाई है ये वाला। हां जी जैसे यहां पे लिखा मैंने 24 प्लस 10/9 एलसीएम कैसे लेते हैं जैसे दोबारा करवा दो आप। ठीक है, यहां पे जैसे जैसे ये एलसीएम लिया हमने 24 प्लस 10/9 तो जहां पे जैसे 24 था उसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख लिया, तो इन दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं? दोनों में जो यहाँ पे 1 है तो दूसरा कौन सा 9, तो 9 को एलसीएम लेते हैं इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि इसको डिवाइड करता है पहले, इसके साथ डिवाइड करता है तो कितना आएगा, डिवाइड करके 1 आएगा जो भागफल होता है इनका। ठीक है, जो भागफल होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई करता है, तो जब मल्टीप्लाई करेगा भागफल क्या निकला यहाँ पे 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 10। और वैसे ही हम क्या करेंगे 1 को 9 के साथ करेंगे तो भागफल कितना आएगा 9, तो 9 को 24 के साथ मल्टीप्लाई। सर मुझे ऊपर से समझ में आया ये 24 कहां का कैसे कट गया, ये वो सामने सामने कैसे कट गया है ये समझ में नहीं आया मुझे ऊपर से। नहीं आया समझ का? अच्छा ये ऊपर वाला हां सर, ये 24 मतलब ये कैसे कट गया? 8 होना था सर, ये 48 वही मतलब ये कैसे कट गया सर आमने सामने? एक मिनट ये नहीं समझ आया। 48 6, यही था जी जी हाँ जी। का लिख लो 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई में 1 × 2/3। मैंने बोला पहले डिवाइड से पहले ये वाला हम सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड मास में जो है डी बाद में आता है और ओ पहले आता है। ठीक है, ये वाला का तो इसको सॉल्व करेंगे 48 डिवाइड बाई 6, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आया 1/3 इस तरीके से।
आप इसको भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसी, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी मल्टीप्लाई बन जाएगा ये वाला, ये वाला। चलो इसको सॉल्व कर लो। प्लस 2/3, एक एक स्टेप करते हैं इसमें, 3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला ऐड होता है तो अपना बना 5/3, ठीक है 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला ऐड, ये बना। अगले स्टेप में मैंने क्या किया था, इसको काट दिया था 3 1 3 और 3 2 0, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप था 48 2/2, ये बना था। तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो कितना आया था 1/2, इस तरीके से। तो 2 1 2 और 2 2 4 और 2 4 8 ऐसे आया 24। समझ आया? हाँ जी सर समझ आ गया। 24 अब ऐसे आया था 24। क्या किया मैंने, एक ही स्टेप में कर दिया था ना ये वाला, जैसे जैसे ये लिखा 48 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मैंने ऐसे काट दिया था, ऐसे आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो क्या बचा, प्लस यहाँ पे बचा था 10/9, ये तो आया था, आगे का मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या बना था 24 मल्टीप्लाई बाई 9, एलसीएम आता है निकालने सभी को? जी सर हाँ जी, ये अब पता लग गया एलसीएम आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे मल्टीप्लाई किया था और बाकी आपको आंसर मिल गया था यहाँ पे, ठीक है इस तरीके से। अभी आया समझ अनिल? अनिल है? अनिल समझ आया? अनिल कोंडल अभी आई थिंक प्रेजेंट नहीं होंगे, सरताज अपना माइक ऑफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो जो है आप जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे। थ्री मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस ब्रैकेट में 15 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस ब्रैकेट में 21 डिवाइडेड बाई 7। ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे। जो 2 दिन पहले एग्जाम हुआ था पुलिस का, वो वाला क्वेश्चन बताता हूँ, वो तो ठीक आया था, डेसिमल में था। इसको सॉल्व करो, क्या सॉल्व होगा सबसे पहले सर? ब्रैकेट सॉल्व होगी ये वाली, ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब आप एक स्टेप में इसको भी कर सकते हैं और इसका भी लिंक नहीं है तो आप इसको भी कर सकते हैं। समझ आया? क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस का साइन छोटा है, मल्टीप्लाई का है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में इससे मल्टीप्लाई से डिवाइड बड़ा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आप साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं एक ही स्टेप में। तो क्या बना, आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 27। करो क्वेश्चंस को। सॉरी थोड़ा ऑप्शन गलत लिख दिए वाले, दूसरे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 28, एक है 27, ठीक है चलो बाकी ठीक है। करो स्टेप सॉल्व, फर्स्ट क्या मिला 21,
थ्री सेवन सा 21, 321 प्लस उसको सॉल्व किया तो क्या मिला, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 15 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो कितना निकला 1/45, इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 9 और उसको सॉल्व किया, 7 × 7 21, इसको भी लिख सकते थे ऐसे क्योंकि हमने क्वेश्चन भी फास्ट करने हैं ना, 7 × 7 = 21 तो कितने मिला यहाँ पे 3। इसी स्टेप में आप ये भी सॉल्व कर लो, 15 × 15 = 45, 3 × 3 3×3 = 9 क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में नहीं है वाले तो कट काट सकते हैं ऐसे भी आप, तो क्या मिला 21 प्लस अंदर 3 ये और 3 ये कितने बन गए 6, सॉल्व किए तो कितना मिला 27, ये आपका आंसर है। समझ आया जी सर? किरण जी? हाँ जी सर। आगे समझ? हाँ जी सर। ठीक है अनु जी? यस सर, समझ आया। नेक्स्ट है 10 / 5 × x = 20 × 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या है? x की वैल्यू कितनी निकली? 40 कर लिया सभी ने? यस सर कर लिया। यस सर। 5 × 5 = 10 2 बच गए यहाँ पे, 2x बन गया और इस तरफ 80 बन गया, 2 × 1 = 2 और 42 = 80 तो x की वैल्यू कितनी निकली 40। समझ आया कैसे किया सभी को? 80 बन गया ये वाला, यहाँ से काट के 2x बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट। (1 + 1 × 1 - 1 + 1 - 1 / 1) ज्यादा बड़ा तो नहीं लिख दिया, मैं खुद से बना दिया क्वेश्चन, करो सॉल्व इसको। क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे साथ में, ये वाला सॉल्व करेंगे? कर लो सॉल्व इसको। यहाँ से बन मिला आपको, यहाँ से भी बन मिला। सर आंसर वन है। सभी का आंसर वन है या मेरा जीरो आ रहा है सर? वन आया सर। ये बना आगे 1 + ये सॉल्व किया तो कितना मिला, 1 मिला -1 + 1 - 1 इसके साथ ये कट गया, प्लस माइनस से काट दिया मैंने और इसके साथ ये काट दिया तो क्या बचा, 1 ही बचा,
वन आप प्लस भी कर सकते हैं, जो प्लस प्लस वाले उनको प्लस कर लो, जो माइनस माइनस वाले उनको कर लो, फिर काट फिर जो है उसका आंसर निकाल लो। ये कैसे कि ये समझ आया, प्लस माइनस थे तो वैसे वैसे काट दिए मैंने यहाँ पे, जैसे आप प्लस का वन हो माइनस का वन हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो, इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, तो वैसे काटे मैंने यहाँ पे सारे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस टेन डिवाइडेड बाई फाइव प्लस ब्रैकेट में टू माइनस टू माइनस थ्री का बार और बड़ी ब्रैकेट। ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 27। करो सॉल्व इसको। सर 20। 20 ठीक है, 20 ठीक आंसर है इसका। बाकी किए किसी ने, करो कोशिश करो। इसको डिवाइड कर दो, अंदर वाले को सॉल्व करो। 5 5 5 5 2 10, ये 15 बन गया। ठीक है, वो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिला, माइनस के 1, और माइनस का यहाँ पे जब ब्रैकेट में था ये पूरा इस तरीके से बनेगा तो क्या बनेगा, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितना बना, यहाँ सिर्फ 15 प्लस 2, और अंदर का कितना सॉल्व करके कितना आया, इसको सॉल्व किया तो 3, कितना मिला 20। ठीक है जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ आ गया सभी को? यस सर। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये जो अभी एग्जाम हुआ था पुलिस का 2-3 दिन पहले, वो वाला क्वेश्चन आया है। 28 डेसिमल 5 मल्टीप्लाई 34 प्लस 23 20 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 36 का स्क्वेयर माइनस एक्स। एक्स का मान अपना फाइंड करना है, वैल्यू फॉर एक्स, एक्स का मान करेंगे, करो।
36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कल मैंने बताया था, कल की जिसने क्लास देखी होगी तो वो जानता होगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। फिर बाद में क्या बोला था, जो ऊपर वाले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 का 18 और 18 2 36 इसको प्लस कर लो फिर 1296, ठीक है 1296 इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या बन गया था 1296 माइनस x, इसको डिवाइड करके चेक कर लो, डिवाइड करो इसको 2320 को 8 के साथ, कितना निकला सर? 290, ठीक है। सभी कर लेंगे डिवाइड, यहाँ बार नहीं, आप बार में समझना इसको, और इसको किस तरीके से लिखेंगे, 20 285 upon 10 लिख सकते हैं इसको, डेसिमल को मैंने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय 34, आप काट दो जो कटता है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, मैं पहले 37 काटता हूँ, कितना आंसर है इसका, 37 47 37 होना चाहिए, चेक कर लेता हूँ, चेक करें इसको, मैंने किया डिवाइड किया तो क्या कितना बना, 2 के साथ किया, 2 5 10 और इसको 2 कम 2 कितने बन गए, 14 बन गए, 7 आगे 37 5 है तो 5 से कट जाएगा पूरे, 5 कम 5 5 25 कितने बचे, 3 55 35 करो मल्टीप्लाई करो 57 को 17 के साथ, इसको सॉल्व करो 57 मल्टीप्लाई बाय 17 969 इसके आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 37 37 ही आ रहा है, हाँ जी निकालो बोला सभी, जब हमने 57 को 70 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 969 प्लस 290 इक्वल टू जो लिखा साथ में, करो सॉल्व करो बोला, इनको प्लस करो बोला, पहले प्लस किया 1259 1259 और उसको माइनस कर दो, क्या मिला 1296 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 37 माइनस के 37 माइनस 37 माइनस एक्स, ठीक है माइनस के साथ माइनस कट गया, ये आंसर इसका ऑप्शन डी,
ये आंसर है ना इसका 37, ये राइट आंसर है इसका 37। समझ आया बाकियों को कैसे किया ये वाला क्वेश्चन? समझ आ गया सभी को? समझ आ गया सर, पर कर रहे हैं हमें। थैंक यू सर। ठीक क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 11। एट सेवन सिक्स फाइव मल्टीप्लाई बाई नाइन सेवन फोर माइनस एट सेवन सिक्स फाइव मल्टीप्लाई बाई एट सेवन फोर 874 आंसर क्या है इसके? ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन काफी बड़े बड़े हैं, आप खुद ही निकाले आंसर इसका। सिक्स है यहाँ पे। कैसे करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको? सर इतनी इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पर भी सेम है 8765 और यहाँ पर 8765 है, ठीक है? और ये आपस में दोनों क्या मल्टीप्लाई के हैं और ये भी आपस में क्या है मल्टीप्लाई के हैं, तो आप जो है कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो कॉमन लेंगे तो कितना नहीं मिलेगा आपको? 8765 बाहर निकाल लिया हमने, 500 बाहर निकाल लिया और अंदर क्या मिला यहाँ से 974 और दूसरी तरफ से 874। जब हम इनको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे ब्रैकेट के साथ कोई लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपस में क्या हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना यहाँ पे 8765, ठीक है? और इनको मल्टीप्लाई के जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इस तरीके से करते हैं, इनको दो जीरो आ गई तो ये इसका आंसर है 876500। क्वेश्चन नंबर 12, फिफ्टीन हंड्रेड नाइन मल्टीप्लाई बाई 1500 नाइन कैसे करेंगे? और उसको जब ऐसे क्वेश्चन आए उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ ना, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं प्लस माइनस साथ में। आप कौन सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, अलजेब्रिक जो फॉर्मूले होते हैं वो लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी ये होता है। इसको अप्लाई करो यहाँ पे तो आपको जो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको ब्रेक कर लो यहाँ पे, इसको ए मान लो, उसको बी मान लो, करो उसको क्या बनेगा 1500 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था आपके पास 9, इसको सेकंड स्टेप ये वाला था यहां से ये वाला, यहां से ब्रेक किया हमने ना नेक्स्ट स्टेप ये वाला, तो बी था आपके पास 9, तो 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर था
नाइन का स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू ए क्या था 1500, बी बी क्या था 9, इस तरीके से सॉल्व करो इसको। 1500 का स्क्वेयर, जैसे दो जीरो है तो चार जीरो बन जाते हैं, और पीछे 2 2 15 का कितना होता है 225, प्लस 9 का स्क्वेयर 81 प्लस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 27000 27000 इस तरीके से। तो बाकी इनको प्लस कर लो वो आपको आंसर मिल जाएगा 2227081 081। समझ आ गया कैसे किया? जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस तरीके से जो फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रिक वो आगे आपको करवाएंगे जब हम वो वाला चैप्टर करेंगे, बट जो बेसिक हैं जैसे a प्लस बी का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर, साथ में a स्केयर माइनस बी स्केयर, a माइनस बी का होल क्यूब, ये जो बेसिक हैं वो तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन है, पहले भी किया हमने, क्वेश्चन नंबर 13, 6784 मल्टीप्लाई 76786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई बाई 214, सेम है जैसे पहले किया, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है, इसको कॉमन निकालो, अंदर के बचा आपके पास 786 प्लस 214 इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6784। क्या क्या होना था इसको ऐड करके 1000 बन जाना था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या लग जाएगा 3 जीरो लग जाएंगे, ये आपका आंसर आएगा। समझ आ गया वाला क्वेश्चन भी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, 5 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, 2 प्लस 6 का बार, करें इसको, आंसर बताएं। किया किसी ने? सर 153। कितना आंसर आ गया?
पहले क्या सॉल्व करना था आपने, पहले ब्रैकेट के अंदर जो बार दिए वो सॉल्व करना था, यहां से क्या मिला था आपको 8, और फिर आपने क्या सॉल्व करना था, क्या बोलते ये जो डिवाइड दिया है, डिवाइड से पहले आपने क्या सॉल्व करना था ऑफ का, तो क्या बन जाना था यहाँ पे 40 आ जाना था, 40 कैसे 8 5 40 ये जो बना यहाँ से, यहाँ पे क्या आना था 40 80 और प्लस यहाँ पे क्या था 5, 41 40 42 80, तो कितना आंसर मिला 7, ये आपका आंसर था 7, समझ आ गया कैसे किया। समझ आ गया वाला क्वेश्चन? यस सर। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लिखें, यहां पे मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। 8883 मल्टीप्लाई बाई 883 माइनस 117 मल्टीप्लाई बाई 117, ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर ये फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। कौन सा सर? ये जो प्रैक्टिस के लिए आप दे रहे हैं, ये 883 8 है यहाँ पे, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 883 माइनस 117 मल्टीप्लाई बाय 117, ठीक है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन है का 3/4 डिवाइड बाई 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। सेवन नाइन सिक्स जीरो प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028, ये क्वेश्चन आपका काफी तीन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे बोर्ड मार्क्स के, कुछ और भी टाइप्स होंगी जो एवरेज की होती हैं, साथ में जो अदर कुछ फॉर्म और भी होती हैं जैसे अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे, तो उनको भी सॉल्व करेंगे हम, बट आपने जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।